अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ओनरशिप रिव्यू सीरीज़। आज हम आपके लिए होंडा ग्रेस का रिव्यू लेके आए और हमारे साथ कामरान भाई हैं। तो सबसे पहले तो मैं कामरान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया और ये रिव्यू हमारे लिए पॉसिबल हो सका। तो ये होंडा सिटी ही है जिसको जापानीज़ मार्केट के अंदर होंडा ग्रेस के नाम से जाना जाता है। 2009 से लेकर 2014 तक ये मॉडल आया। इसके बाद इसकी अगली जनरेशन आ गई थी और पाकिस्तान में सेम थर्ड जनरेशन ही चल रही है और आज तक हमें तकरीबन 11 साल हो गए हम वही जनरेशन देख रहे हैं। तो इसका रिव्यू हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कामरान भाई, आप ये बताएं कि ये गाड़ी का मॉडल कौन सा और प्राइस क्या है इसकी? ये 2015 मॉडल है। ठीक है। और अभी जो इसकी मार्केट वैल्यू है इस तरह 15 मॉडल की अराउंड 25 to 27 lakhs, सो डिपेंड अपॉन कंडीशन और कौन सा वेरिएंट है। ठीक है। तो इसमें वेरिएंट कौन कौन से आ रहे हैं वैसे इसके अंदर? मेरे ख्याल एक EX है, DX है और LX है। अच्छा, तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये टॉप ऑफ द लाइन है, DX वेरिएंट है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है वैसे, फीचर्स का क्या कोई डिफरेंस है इसके अंदर? हाँ जी, एक तो इसके अंदर जो है ये टिप्टोनिक है, अच्छा, पेडल शिफ्टर है जी। ठीक है। और दूसरे इसके अंदर जो है क्रूज है, उस वाले में हाल है जो सिंपल वेरिएंट है उसमें नहीं। और हीटेड सीट्स हैं, अगली फ्रंट दो सीट्स के अंदर हीटर है। अच्छा, ठीक हो गया। और इसमें फीचर्स, अगर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, अगर हम एक्सटीरियर की भी बात करें और इंटीरियर की भी बात करें? इसमें 6 एयरबैग्स हैं सेफ्टी के लिए। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें रडार है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। अच्छा, रडार इसका मैंने खुद भी यूज़ किया, वो बड़ा एक्यूरेट है कि आप किसी भी जगह पर जा रहे हो, आपका ध्यान नहीं है सामने किसी फ्रंट पे एकदम से कोई चीज़ आ जाती थी, ऑटोमेटिकली थोड़े लाउड हॉर्न के साथ वो ब्रेक्स लगा देंगे। अच्छा, अगर आप क्रूज पे जा रहे हैं तो ये अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, मतलब क्रूज पे खुद ही अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया है तो रिड्यूस कर देगा स्पीड उसकी? बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, ठीक है। उसका इसका कोई डिस्टेंस भी आप इधर से सेट कर सकते हैं? हाँ, नहीं, इस तरह की सेटिंग नहीं है, ये खुद ही वो देख लेता है कि कितना करीब है। मैं हाल 5-7 meters पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता अगर एकदम से कोई चीज साइड से सामने आए तो। अच्छा, पार्किंग सेंसर तो नहीं है मेरे ख्याल इस गाड़ी? नहीं, पार्किंग सेंसर। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा था कि आपने फ्रंट पे काफ़ी चीज़ें वगैरह इसकी चेंज करवाई हुई हैं। हाँ जी, इसका मैं जो है ना फेस अपलिफ्ट करवाया है अभी रिसेंटली, जिसमें इसका बम्पर चेंज हुआ है, लाइट्स इसकी जो है अभी प्रोजेक्शन लाइट्स हैं, उसके अलावा LED बिल्ट इन LED हैं, हाई सिविक में आ रही हैं जिस तरह की LED, लो बीम पे भी और हाई बीम पे भी, और साथ इसकी ग्रिल चेंज करवाई है और DRL इसके मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे। अच्छा, तो ये जो मेरे ख्याल 2019 वाली है फेसलिफ्ट, 19 वाली फेसलिफ्ट, क्योंकि इसमें शेप चेंज हुई है जी। अच्छा, तो मेरे ख्याल पहले तो ड्यूल प्रोजेक्टर थे इसके अंदर और हाई पे जो थी वो हैलोजन, हाई पे LED थी। एग्जैक्टली। और इसकी कैसी है विजिबिलिटी नाइट में? इसकी बड़ी अच्छी, इसका ये फायदा है कि आपकी वो जितना भी विजन है ना वो रोड के ऊपर रहता है, फैलता नहीं है ज्यादा। ऐसा नहीं कि आप हाई बीम भी करो तो दूसरे की फ्रंट से आने वाली गाड़ी की आंखों में लाइटें नहीं पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, जो इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह कैसी दे रही है गाड़ी आपको? फ्यूल एवरेज अगर इसको आप शहर में चलाएं 60 to 80 के दरमियान, ज्यादा ब्रेक और रशी एरिया में नहीं, तो विद AC 23-24 कर देते हैं। अच्छा, फिर तो अच्छी एवरेज। हाँ जी, अभी मैं लाहौर से मुल्तान आया था तो थ्रोट मैंने 110 इसका क्रूज लगता है, इससे ऊपर नहीं लगता क्योंकि जापानी जितनी भी गाड़ियों में ये सेफ्टी फीचर है, पाकिस्तान में तो 200 पे भी लगा लेंगे। हाँ जी, ऐसा ही है। तो इसकी वो 21.6 की एवरेज आई है। अच्छा, एवरेज तो अच्छी है फिर क्रूज के ऊपर। हाँ, क्रूज के ऊपर। अच्छा, इसका RPM इसका नजर आता है इधर से? हाँ जी, इसकी सेटिंग है तो। ये आपको आइडिया है कि 100 पे कितना RPM होता है इसका? तकरीबन 100 पे भी देखे कि ये जो है ना 2.5 तक मैक्सिमम चला जाता है। हाँ ठीक है, 110 तक भी 2.5 तक रहता है, इससे ऊपर फिर 3 पे चला जाता है। ठीक है। तो जो है क्लाइमेट कंट्रोल है और सारा टच है, जिसमें ड्यूल AC भी है, आप उसकी भी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं दोनों की। और इसके अंदर स्टीयरिंग जो है फुली लोडेड है, जिसमें आप मल्टीमीडिया वॉल्यूम वगैरह सेट कर सकते हैं। ये जो है वो कॉल दरमियान में हैंग और करने के लिए सारा कुछ ब्लूटूथ से कनेक्ट होके। और ये जो DX वेरिएंट है इसमें बिल्ट इन जो है ये स्पीकर्स आते हैं। हाँ जी, कितने स्पीकर हैं वैसे? इसके 2 स्पीकर हैं फ्रंट पे। हाँ, फ्रंट पे, मगर इसकी साउंड क्वालिटी बहुत है। 2 सॉरी पीछे भी हैं, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर हैं। हाँ, 2 ट्वीटर हैं, मगर इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। इसमें मुझे S मोड भी नजर आ रहा है, स्पोर्ट्स मोड है ये, स्पोर्ट्स मोड है S। और एक और चीज इसमें, एक और चीज बड़ी अच्छी है इसके अंदर कि इसमें ये चार्जिंग के सॉकेट्स बहुत दिए हुए हैं, 4, 2 पीछे, 2 आगे और एक HDMI के लिए, ऐसा ही है। और एक USB का भी दिया हुआ है। हाँ जी, USB ठीक है। वैसे स्टोरेज वाइज कैसी है गाड़ी, ये
कप होल्डर्स भी काफी मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ जी, कप होल्डर्स भी हैं, छोटी छोटी बड़ी कन्वीनियंस इसकी पॉकेट्स हैं, एक ही साइड पे पॉकेट है, साइड्स पे हैं, और ये इसका जेन्युइन जो डीएक्स वेरिएंट आता है उसके अंदर ये इसका आर्मरेस्ट भी है। हाँ जी, आर्मरेस्ट आपको मिलता। अच्छा, और ये सीट्स कौन सी हैं? हाफ लेदर सीट्स हैं मेरे ख्याल। और आपने पाकिस्तानी सिटी चलाई है, होंडा सिटी? हाँ जी चलाई है। क्या कंपैरिजन करेंगे आप? उसका इसका बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका इवन एसी बहुत ज्यादा अच्छा है, बड़ी अच्छी कूलिंग है, और इसमें ये आयोन फंक्शन है कि एयर प्योरीफायर है बिल्ट इन, जो कि आजकल हमें बहुत जरूरी चाहिए। बिल्कुल, जितने डस्ट है पोल्यूशन इतनी हो गया। तो पाकिस्तानी सिटी का और इसका तो बिल्कुल भी किसी लिहाज से ही मैच नहीं है, क्योंकि होंडा जो है वो तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर एक शेप खाई बैठा है। हाँ जी, वो 2009 से आप एक ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, पैसे वो जो है वो लेटेस्ट वो कभी उसकी जो है वो लाइट के अंदर कोई चेंज कर देते हैं, कभी ग्रिल चेंज कर देते हैं, कभी इंटीरियर का कलर चेंज कर देते हैं, मतलब इसी ड्रामेबाजी में लगे हैं। इसी तरह इसकी आप देखेंगे बड़ी डिसेंट सी, बड़ी कॉम्पैक्ट सी, बड़ी अच्छी शेप है, पीछे लेग रूम काफी अच्छा है, ये सारा लेदर स्टिच हुआ हुआ है, बड़ी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है। अच्छा, कौन सा ऐसा फीचर है जो इसके अंदर आप मिस करते हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं तो ये चीज़ गाड़ी में मुझे होनी चाहिए थी? हाँ, मेरे पास तो वो जो थी सिविक भी रही है, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी ड्राइव जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सिविक की थोड़ी सी हार्ड है, एक्स जी। अच्छा, उसकी तो इससे ज्यादा मुझे वैसे इसकी ज्यादा पसंद है। वैसे जो है ना, होंडा की किसी भी गाड़ी को देख लें आप तो उसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, लेकिन उसकी वजह से स्टेबिलिटी बेहतर है। हाँ जी, एज कम्पेयर टू टोयोटा। एग्जैक्टली, सही है। अच्छा, तो इसकी रोड जो है क्लियरेंस वगैरह कैसी? रोड क्लियरेंस भी इसकी बड़ी अच्छी है। अभी रिसेंटली मैं कल ही पूरे 5 पैसेंजर्स के साथ एक गांव में गया था, मगर नहीं नीचे लगी, ठीक थी। अच्छा, क्योंकि इसमें साइड स्कर्ट्स भी लगे हुए हैं और बॉडी किट भी लगी हुई है। सही है। तो ये मेरे ख्याल साइड स्कर्ट्स भी आफ्टर मार्केट लगे? जी, आफ्टर मार्केट। इसमें बड़ी ज्यादा इसकी जो बैक लाइट्स है ये भी मैं आफ्टर मार्केट लेके लगवाई थी। इसमें मेरे ख्याल एक टॉप ऑफ द लाइन आता है म्यूगन किट के साथ, मॉड्यूलो और म्यूगन की किट आती है उसके साथ, साइड स्कर्ट्स होते हैं। अच्छा, अलॉय रिम इसमें ये बिल्ड इन आए हैं कि नहीं? ये भी अलॉय रिम भी मैंने बाहर से मंगवाए थे। आप पाकिस्तान में देखोगे 16 इंच में जो है आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी फोर नट में, क्योंकि इसमें फोर नट है, सिटी है ना, तो सिटी में फोर नट आते हैं। तो ये भी ऐसा ही, ये मैं बस स्टॉक तो मेरे ख्याल 175 के अंदर आता है, आपने 195 डलवाया हुआ है। जी, ऐसा ही है। ठीक, 15 इंच का आता है स्टॉक में? जी, 15 इंच का आता है। अच्छा, रोड ग्रिप वगैरह कैसी है इसकी? बड़ी अच्छी है, मुझे तो आज तक कभी इसमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि रोड ग्रिप नहीं है। अच्छा, तो इंजन तो इसका सेम है मेरे ख्याल, होंडा फिट का देख लें, शटल का देख लें, फिर फ्रीड आती है इनकी, स्पाइक आती है, सेम टेक्नोलॉजी है, विजल वगैरह की टेक्नोलॉजी है, सब में वही चला रहे हैं ये लोग। जी, अच्छा, स्टीयरिंग भी इसका एडजस्टेबल है, फ्रंट भी, नीचे भी, आगे पीछे। अच्छा, टेलीस्कोपिक। और इसके ये मेरे ख्याल विंडोज के जो वाइपर है वो भी आप इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। सही है। इसका जो स्पीडोमीटर है वो सेम वेजल जैसा है जिस तरह आप थ्रोटल दें लाइट चेंज करता है? हाँ जी, ऐसे ही। अभी ये देखिए ग्रीन है ना, तो वो बता रहे हैं कि इको पे चल रही है। अच्छा, अभी जैसे ही मैं रेस दूंगा। अच्छा, इसकी ये है, उसका पूरा रिंग कलर चेंज करता है। बाकी ये इसका आरपीएम है, इसकी सेटिंग में से हम जाके देखेंगे। ये बैटरी का आ रहा है कि बता रहा है कि अभी बैटरी पे गाड़ी चल रही है। ठीक, बैटरी इसकी अभी तक ठीक चल रही है? हाँ, बैटरी बिल्कुल जबरदस्त है। ये इसकी एवरेज के है। अच्छा, ये भी जो है 18.9 की एवरेज आ रही है इसमें 505 किलोमीटर चल के। अच्छा, तो इसकी कभी इसको 180 पे ले गए हैं, वैसे तो इलीगल है। हाँ, 180 तो उस पे इसकी कोई नॉइस आपको या कोई वाइब्रेशन गाड़ी में हो या कोई नहीं? 180 पे चली भी बिल्कुल आराम से जाती है, ऐसा नहीं है कि आप वो जोर नहीं लेती। हाँ, गाड़ी बस चली जाती है आराम से। अच्छा, सेफ्टी वाइज इसकी ब्रेक्स वगैरह कैसी हैं? जैसे पहले आपने बताया कि एयर बैग्स हैं इसके, स्टीयरिंग व्हील में हैं, कर्टन्स में दिए हैं और पिलर सी के अंदर भी हैं इसके। हाँ जी, ब्रेक्स वगैरह की बड़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, बड़ी अच्छी इसमें जो है एंटी लॉकिंग ब्रेक है। अच्छा, तो उसके अलावा कामरान भाई, इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस की तरफ आए तो ऑयल फिल्टर और ऑयल आपको क्या कॉस्ट करते हैं और कितने इंटरवल पे आप चेंज करवाते हैं इसका? वैसे रिकमेंडेड तो जो मैं ऑयल डलवाता हूं जापानीज टोटाची के नाम से है। अच्छा, 0W20 इसका ग्रेड में यूज करता हूं और
वो तकरीबन वो लोग तो कहते हैं कि आप 10,000 पे चेंज करें, मगर मैं 8,000 पे चेंज करा लेता हूँ, जिसकी कॉस्ट अराउंड अबाउट 7,000 आती है, जिसमें 1600 पर लीटर ऑयल है। इसका एक बड़ा इशू है यहाँ पे पाकिस्तान में, बड़ा लोगों को पता नहीं होता, इसका जो गियर ऑयल है ना जी, इसमें जो ऑयल आता है ना जो जापान ने रिकमेंड किया है, वो अल्ट्रा ऑयल है, फुली सिंथेटिक। अभी पाकिस्तान में जो होंडा वालों का मिल रहा है वो तकरीबन कोई 600 रुपये लीटर मिल रहा है, और इसमें डेल्टा भी कोई 2 लीटर है। अगर आप उस तरह देखें तो ये आपके 1400 में हो जाता है, मगर जो ओरिजिनल इसमें ऑयल, वो ट्रांसमिशन ऑयल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ट्रांसमिशन। अच्छा, ट्रांसमिशन ऑयल। वो जो ऑयल चेंज होता है वो तकरीबन है कोई 8,000 का, सॉरी वो है 15,000 का, सॉरी वो कितने लीटर है, वो होता है 50,000 के बाद। वो करवाया आपने? मैंने करवाया। वो कितने का कॉस्ट की है? ओवरऑल उसकी कॉस्ट कितनी? 2 लीटर इसमें ऑयल डलता है। यहाँ पे आप पाकिस्तान में देखेंगे लोगों को पता ही नहीं इसमें कितना, असल जो इसमें है 1.75 लीटर। अच्छा, ये इसमें डलता है, जब भी वो डलता है साथ ब्रेक ऑयल भी चेंज होता है। ब्रेक ऑयल उसके मेरे ख्याल कोई एक्चुएटर्स का इस तरह करके मशीन है, मैं देखता रहता हूं उसके फोरम पे, तो ना ये काफी इशू आया इसके अंदर। होंडा वीजल, मेरा दोस्त है उसके पास वीजल है 2016। अच्छा, उसने लिक्वी मोली का ऑयल चेंज करवाया इसमें, गियर ऑयल, और उसका वो गियर फारिग हो गया, उसकी सील्स खराब हो जाती है, दोबारा वो ठीक नहीं होती। अभी इसको फिर कॉस्ट किया था 2,72,000 रुपए का। काबली काबली तो ब्रांड न्यू तो आता ही नहीं है ना। हाँ, ब्रांड न्यू। अच्छा, पार्ट्स की बात करें तो इसके मैकेनिकल पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स टोटल जो है वो पाकिस्तानी सिटी के साथ नहीं मिलते, कोई भी चीज नहीं मिलती। इसके जो है पाकिस्तानी सिविक के साथ मिलते हैं, ये जो नई से पुरानी शेप थी जिसे रीबर्थ कहते हैं। अच्छा, रीबर्थ में। हाँ जी, ब्रेक शू वगैरह बाकी सारा कुछ वही है इसमें। अच्छा, इस फोर व्हील डिस्क है ये? फोर व्हील डिस्क, ठीक हो गया। लेकिन इसके अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता आपका कोई साइड मिरर लग जाए तो आप लेने जाएं तो मार्केट में? हाँ, मार्केट से मेरा ख्याल है 6,000 से 8,000 रुपए का आपको एक मिरर कॉस्ट करेगा। काबली जी, ठीक है। अब पार्ट्स मतलब अवेलेबल नहीं है इस गाड़ी के? हाँ, बिलालगंज में तो अवेलेबल है, तो सारी अभी देखे ना कि एक बंदे ने इनसाइट का नया मॉडल मंगवाया। जी जी, वो 65 लाख की गाड़ी। हाँ जी, उसका क्योंकि इनसाइट का मुझे इससे पता है, इससे पहले मेरे पास होंडा इनसाइट थी। अच्छा, उसका कैसा एक्सपीरियंस था? वो तो बड़ी अच्छी गाड़ी थी, जिस तरह मैं 12 लाख की ली थी, 12 लाख में प्रॉपर कार थी, पाकिस्तानी सिटी से वो भी बहुत बेहतर। पाकिस्तानी से तो खैर जापानीज कोई भी ले लें बेहतर है। वो सेमी हाइब्रिड थी, वो तकरीबन वो IMA टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड मोटर सिस्टम, ये तो फुली हाइब्रिड की तरफ चले गए हैं। वो तो मेरे ख्याल फुल बैटरी पे भी नहीं जाती थी, उसकी एवरेज भी 13-14, वो कितनी वो 15-16 तक एवरेज आती थी एसी के साथ। अच्छा, रीसेल वाइज तो वो गाड़ी भी जो है पूरी दुनिया में अपनी जो है वो रीसेल अच्छी नहीं बना सकी। हाँ, मगर मेरा बिल्कुल ठीक था, मैं इतने अर्सा यूज करके भी वो जितने की ली थी उतने की दे दी थी। अच्छा, इसकी रीसेल कैसी है गाड़ी की? इसकी रीसेल भी बहुत अच्छी है, अभी रिसेंटली मैंने तो ये ली थी 25.5 लाख की। अच्छा, मगर अभी जो इसकी मार्केट प्राइस है, जैसे गाड़ियों के सारों के रेट्स बढ़े हैं, तो ये 25 से 24-25 बिल्कुल ऐसे ही है, इजीली आप देखोगे आपको मिलेगी नहीं। बाकी पर्ल वाइट कलर है इसका, अभी रिसेंटली मैंने इस पे ग्लास कोट करवाया। अच्छा, वो क्या कितने का कॉस्ट किया आपको? वो मुझे 15,000 का पड़ा है, मदर्स का। अच्छा, मदर्स का। और इसमें कितनी उन्होंने वारंटी वगैरह कितनी दी है कि इसकी? इसमें कहते हैं 2 इयर्स है, मगर 1 ईयर तक वो ठीक रहता है, मिट्टी वगैरह नहीं पड़ती, पानी शानी ऊपर हो तो उसी टाइम एवेपोरेट हो जाता है। फरहान भाई, ये बताएंगे ये गाड़ी में ड्यूल एसी आता है जी, तो यूज किया कभी पीछे बैठा? हाँ जी, मैं खुद तो नहीं पीछे बैठा। अच्छा, मगर जो भी बैठे उनसे मैं वो पूछता रहता हूँ कि कूलिंग वगैरह कैसी है? है, हाँ, कूलिंग हो रही है तो बड़ा अच्छा बेहतरीन है। हाँ जी, सिविक एक्स में भी आता है वैसे तो। हाँ जी, एक्स में। अगर उसके साथ कंपैरिजन करें कूलिंग किसकी बेस्ट है? तकरीबन दोनों की सेम है, एक्स की भी अच्छी कूलिंग है। अच्छा, पहले तो लोग कहते थे कि वो बस ऐसी कोई वेंट ही दी है मैं एयर के, कोई एसी की कोई नहीं है, इसके थ्रो कम हो जाती है जब आप मेरे ख्याल पीछे उसको ओपन करते हैं। आप देखे ना अभी ये पीछे ओपन है, पीछे ओपन है, ये देखिए इसकी ठीक है, ब्लोर वगैरह तो ठीक है। उसके बाद पीछे जो है वो लेग रूम वगैरह, इसका जो नीचे जो बेड है वो फ्लैट है इसका, थोड़ा सा मेरे ख्याल हम्प है पीछे। हाँ, थोड़ा सा है। अच्छा, इसका कंफर्ट लेवल इस गाड़ी का कैसा है सिटिंग? खास तौर पे होंडा जो है ना कहते हैं कि ये इसकी थोड़ी सीट्स जो है ना वो थोड़ी हार्ड होती है। नहीं नहीं, इसकी तो आपने खुद भी बैठे हैं आपको फील हो रहा होगा, बड़ी कंफर्टेबल सी सीट्स, आप जितना लंबा सफर करें आपको फील नहीं होगी थकावट या कमर दर्द। और आप वैसे भी ये जो पाकिस्तानी गाड़ी इसमें गर्मी में आप लेदर सीट पर बैठेंगे आपकी पूरी कमर गीली हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है।
इसमें कभी ऐसे इशू नहीं, नहीं वैसे भी जो है ना फैब्रिक का कंफर्ट लेवल, लेदर सीट्स, लेदर तो खैर पाकिस्तान में आती नहीं, रैगजीन होती है, हर बंदा उसको लेदर सीट्स तो आती नहीं है उसके अंदर, वो रैगजीन होता है सारा, और वो तो वैसे ही पीछे आपकी बैक खराब कमर पे, हां जी, वो सारा पसीना। अच्छा बूट स्पेस कैसी है इस गाड़ी की, ट्रंक वगैरह इसका? हां जी ट्रंक स्पेस भी काफी ज्यादा है, आप काफी सामान रख सकते हैं, चार बैग तो आराम से बड़े आप रख सकते हैं। अच्छा सीट्स वगैरह इसकी मेरे ख्याल रिक्लाइन हो जाती हैं फुली, वो लैचेस दिए हुए पीछे, उसको आप अगर पुल करें तो वो सीट्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा ठीक, तो व्यूवर्स ये था हमारा आज का रिव्यू, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।